हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 4। बहुत दिनों से डिमांड हो रही थी इसकी, तो जिसमें हम लोग पढ़ने हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, ब्रीफ आउटलाइन। हमें कुछ बेसिक बातें जाननी है, किसके बारे में, ऑकरेंस के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, आइसोलेशन के बारे में, आइडेंटिफिकेशन के बारे में, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं, थेरोपेटिक एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। तो 6 ड्रग्स हैं हमारे पास। आज हम लोग एक ड्रग इसमें पढ़ने वाले हैं जो कि है अल्कोलाइड्स। काफ़ी कुछ जानते हो उसके बारे में, जान चुके हो, समझ चुके हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अल्कोलाइड्स क्या होते हैं? तो अल्कोलाइड एक नाम है ना, किसी का नाम राहुल, किसी का शिवम, किसी का सीता, गीता, शिवानी, नाम है सारे ये, ठीक है ना। वैसे अल्कोलाइड एक नाम है, किसका नाम दे दिया अल्कोलाइड। तो साफ साफ कह रहा है कुछ ऐसा केमिकल कंपाउंड, ठीक है ना, जो कैसा है, अल्कली है। अल्कली मतलब बेसिक है, बेस है ना, बेसिक, बेसिक इन नेचर, जिसे हम कहते हैं ना एक अम्ल और क्षार, तो क्षार होगा ये। कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब, है ना, द टर्म अल्कोलाइड इज कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब। अल्कोलाइड का मतलब होता है अल्कली लाइक। किसको डिस्क्राइब कर रहा है ये? हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक है ना, हेट्रोसाइक्लिक समझ सकते हो, जैसे जिसमें क्या होते हैं, इस तरीके से सारे कार्बन ना होकर के एक एटम बदल जाएगा। और किससे बदलेगा इस बार बदल रहा है वो नाइट्रोजन से। हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड, सीधी सी बात है, कोई कंपाउंड है और वो हेट्रोसाइक्लिक है और उसमें क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, उसको नाम दिया गया अल्कोलाइड। पहचानने का तरीका मैंने कहा नामकरण कर दिया, किसी का नाम क्या है जानना जरूरी है। अल्कोलाइड बोलते हैं, अच्छा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसके अंदर एक नाइट्रोजन भी होगा। ओरिजिन कहां से होगा? प्लांट से होगा। दैट आर फिजियोलॉजिकली एक्टिव। फिजियोलॉजिकली मतलब हमारी बॉडी में जाके कुछ ना कुछ इफेक्ट करेंगे जा करके, ठीक है। डेराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड। और ये कहां से ड्राइव होंगे, कहां से बनेंगे, इनका जो ओरिजिन है, बनने का जो बेसिक मॉलिक्यूल इस्तेमाल होगा इनके बनने के लिए, वो क्या होगा, अमीनो एसिड्स। तो तीन चीजें अगर हम गौर से देखें अल्कोलाइड के बारे में, पहला ये अल्काली है, अल्कल नेचर है, बेसिक है। हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन है, क्या है, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन है, ठीक है। फिजियोलॉजिकली एक्टिव है, कुछ इफेक्ट करते हैं बॉडी में जाकर के, और अमीनो एसिड के बने हुए होते हैं। ये कुछ बेसिक, मतलब जब शुरुआत में इनके बारे में बातें चल रही होंगी तो ये एक बेसिक डेफिनेशन इसकी बन चुकी थी, बट समय के साथ चीजें और आगे बढ़ी और क्या देखने को मिला कि ये डेफिनेशन में कुछ बातें कवर नहीं होती हैं। क्या बातें? डेविएशन फ्रॉम डेफिनेशन, डेफिनेशन से भटकाओ। जो डेफिनेशन है वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करती, कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन मिल जाते हैं, है ना, जो डेफिनेशन फिट नहीं बैठते हैं। जैसे कि बेसिसिटी, हमने कहा बेसिक होंगे, बट सम अल्कोलाइड्स आर नॉट बेसिक, कुछ बेसिक नहीं होते हैं। कोल्चिसिन है, पेपरिन है, क्वार्टरनरी अल्कोलाइड्स हैं। अब ये सब तुम्हारे क्या है, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे पास। नाइट्रोजन, हमने कहा उनके अंदर एक नाइट्रोजन होना चाहिए हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर। द नाइट्रोजन इन सम अल्कोलाइड इज नॉट इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग। नाइट्रोजन होगा बट रिंग में नहीं होगा। एग्जाम्पल एफिड्रीन, कोल्चिसिन, मेस्कालीन। हमने कहा ये प्लांट ओरिजिन का है, बट कुछ अल्कोलाइड ऐसे हैं जो प्लांट ओरिजिन के नहीं है, बैक्टीरिया, फंजाई, इंसेक्ट, फ्रॉग्स और एनिमल से मिल रहे हैं, ठीक है। बायोसिंथेसिस, हमने कहा ये अमीनो एसिड से बनेगा। सम अल्कोलाइड आर नॉट डराइव फ्रॉम अमीनो एसिड, एग्जाम्पल प्यूरिन्स एंड स्टीरॉयडल अल्कोलाइड। तो जो चार बातें थी उनसे जब भटकाव हो गया तो डेविएशन बोला गया, यानी कि ये इस कैटेगरी में भी हमारे पास क्या आते हैं, अल्कोलाइड्स आते हैं। क्लियर है? तो डेफिनेशन अल्कोलाइड्स क्या है, बात समझ में आ गई, अल्कोलाइड्स माइंड में सेट, अल्कोलाइड क्या होता है, आगे आते हैं। टाइप्स ऑफ अल्कोलाइड, अल्कोलाइड्स की टाइप्स की बात करें तो हम लोगों ने इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, ट्रू अल्कोलाइड, प्रोटो या अमीनो अल्कोलाइड, सूडो, सूडो मतलब पता ना फॉल्स अल्कोलाइड, ऐसे दिखते बट अल्कोलाइड होते नहीं, या फिर हम कह सकते हैं क्यों कहा गया इनको ऐसा, वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। और काफी हद तक अब बात समझ में आ जाएगी। ट्रू अल्कोलाइड में क्या है, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड से बनेंगे एंड हैव नाइट्रोजन इन द हेट्रोसाइक्लिक रिंग, यानी कि जो अल्कोलाइड बिल्कुल डेफिनेशन के हिसाब से सेट बैठ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, ट्रू अल्कोलाइड। प्रोटो अल्कोलाइड, नॉन हेट्रोसाइक्लिक अल्कोलाइड, दिस ग्रुप ऑफ अल्कोलाइड हैव द नाइट्रोजन एटम ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अमीनो ग्रुप बट इज नॉट प्रेजेंट इन द हेट्रोसाइक्लिक रिंग। नाइट्रोजन होगा तो, बट वो उस रिंग में नहीं होगा,
एफेड्रा एल्कोलाइड, कैप्सिकम एल्कोलाइड रिंग में मौजूद नहीं होगा, रिंग से अलग हटके होगा, है ना, साइड वाइड में कहीं लगा होगा। और तीसरा आता है सूडो एल्कोलाइड, ठीक है ना। सूडो में क्या होगा, दीज आर नॉट डेराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड बट हैव नाइट्रोजन इन द हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ये अमीनो एसिड से तो नहीं बने होंगे बट इनकी रिंग में नाइट्रोजन होगा, यानी कि एल्कोलाइड से हैं ये बट अमीनो एसिड से नहीं बने हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे कैफीन दे रखा है। तो तीन टाइप के अल्कोलाइड, ट्रू अल्कोलाइड, प्रोटो अल्कोलाइड और सुडो अल्कोलाइड। इसका चार्ट है, चार्ट ना याद रहा है कोई बात नहीं, ये तीन डेफिनेशन तुमको याद करनी है। तो बात समझ में आ गई, अल्कोलाइड की तीन वैरायटी समझ में आ गई हमको, ट्रू, सुडो और प्रोटो, ठीक है। फंक्शन इन प्लांट, प्लांट के अंदर ये करते क्या है, क्यों बनते हैं प्लांट में। तो सबसे पहले जो मेन इनका कारण है बनने का, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रोटेक्टिव अगेंस्ट इंसेक्ट एंड हर्बीवोर्स, है ना। प्लांट अपने को बचाना चाहता है कीड़ों मकोड़ों से और जानवर उसको चर ना ले, ठीक है ना। ड्यू टू देयर बिटरनेस, ये अल्कोलाइड थोड़े से कड़वे होते हैं और टॉक्सिक होते हैं। तो जो कीड़े होते हैं और हार्बीवोर जो घास चरने वाले जानवर होते हैं, वो जब खाल कुछ चला जाता है, अगर इस अल्कोलाइड कंटेनिंग प्लांट का कुछ मुंह में चला जाता है, उनको समझ में आता है कि यार ये प्लांट कड़वा है भाई, इसे नहीं खाएंगे। वो अपना दिमाग सेट कर लेते हैं, अच्छा ये पौधा है बाजू वाले से निकल जाए उसको नहीं खाएंगे। यानी कि वो अपने आप को, पौधा अपने आप को खुद को बचा रहा, कुदरत है, कुदरत ने हर किसी को अपने आप डिफेंस करने के लिए क्षमता दे रखी है अलग अलग तरीके से, है ना। मे एक्ट एज, अच्छा अगर ये नहीं करेगा तो कई बार क्या होता है, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन केस ऑफ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, अगर किसी वजह से नाइट्रोजन उसे नहीं मिल पा रहा है तो ये जो है अल्कोलाइड नाइट्रोजन के सोर्स की तरह भी काम करते हैं। समटाइम एक्ट एज ग्रोथ रेगुलेटर इन सर्टन मेटाबॉलिक पाथवे, कई बार कुछ जगहों पर ये ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ में कई बार, हमेशा नहीं, जरूरत पड़ने पर। दे मे बी यूटिलाइज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन, अगर वो CO2 को नहीं ले पा रहा है प्लांट बाहर से, CO2 नहीं ले पाएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो आगे के काम नहीं होंगे। ऐसे सिचुएशन में कई बार ये सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह भी बिहेव करता है। तो कहीं ना कहीं प्लांट के अंदर मेन रोल तो नहीं है इसका, क्योंकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट अच्छे से पता होगा, ठीक है ना। आज जो हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 जो हम पढ़ रहे हैं, फिर बता दूं, लिख देता हूं यहां पर, ये जो चैप्टर नंबर 4 है, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। क्या है ये सारे के सारे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। मैंने डिस्कस भी किया था जब फाइटोकेमिकल पढ़ रहा था कि हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे और कुछ बातें इधर से उधर की कॉमन आएंगी, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई, नेक्स्ट आगे देखें अगर हम लोग इसमें क्या है हमारे पास, ऑकरेंस। ऑकरेंस का मतलब क्या है, कहां कहां पाया जाएगा ये और कैसे कैसे पाया जाता है, कहां कहां मिलेगा ये। एक तो हमको बैक्टीरिया में, सुडोमोनास एरिडिनोसा एंड रेयरली इन फंगाई, कुछ बहुत ही रेयर फंगाई में पाया जाता है, ठीक है। पिसिलोसिन फ्रॉम हेलुसिनोजेनिक मशरूम, है ना, जो मशरूम है एक फंगाई वहां से मिल जाता है हमको ये। रेयरली ऑकर इन लोअर प्लांट, लोअर प्लांट का मतलब है जैसे कि आल्गी है, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं ना। प्लांट का अगर तुम्हें एवोल्यूशन याद हो, अल्गी, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, तो लोअर प्लांट्स में नहीं होगा, ब्रायोफाइट्स, टाइडोफाइट्स में नहीं पाए जाएंगे। डाइकॉट के अंदर ज्यादा होगा अल्कोलाइड कंपेयर टू मोनोकॉट, है ना। ऑकरेंस की बात चल रही है कि कहां ये पाए जाएंगे या कहां हमको ये ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। डाइकॉट पता है ना, ऐसे समझने का तरीका क्या है, ऐसे प्लांट जिनके बीज दो में टूट जाते हैं, जैसे कि मूंगफली का दाना दो हिस्सों में टूट जाता है, उनको मोनोकॉट, डाइकॉट कहते हैं। मोनोकॉट कौन होते हैं, जैसे कि गेहूं, गेहूं का दाना दो में टूटता है कि नहीं, सिंगल रहता है, चावल एक ही रहता है। तो ऐसे पौधे जिनके बीज सिंगल रहते हैं वो मोनोकॉट होते हैं, तो डाइकॉट में ज्यादा पाया जाता है। कौन कौन सी प्लांट की फैमिली जिनके अंदर अल्कोलाइड बहुत ज्यादा पाया जाता है, एपोसाइनेसी, रूबिएसी, सोलनेसी एंड पेपरवेसी। फैमिली फ्री फ्रॉम अल्कोलाइड, ऐसी कौन सी फैमिली जिनके अंदर है ही नहीं अल्कोलाइड बिल्कुल, रोजिएसी और लेविएटी। रेयरली डू प्लांट्स कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ अल्कोलाइड, जनरली होता क्या है, यानी कि रेयरली डू प्लांट, या इसको यहां पर जिसको ये दिक्कत लग रही है यहां पर लिख सकता है, एक से ज्यादा अल्कोलाइड नहीं होते किसी प्लांट में, होगा तो एक ही टाइप का अल्कोलाइड होता है, बहुत कम चांस है कि किसी एक प्लांट में एक से ज्यादा अल्कोलाइड पाए जाए। ऑल अल्कोलाइड्स ऑफ वन प्लांट विल हैव अ कॉमन बायोजेनेटिक ओरिजिन, जितना भी अल्कोलाइड किसी एक प्लांट में पाया जाएगा उसका बायोजेनेटिक ओरिजिन, जो उसका बनने का ओरिजिन होगा वो कॉमन होगा, एक ही उससे सोर्स से बनेगा वो। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। ऑकरेंस हो गया, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या कर रहा है, अल्कोलाइड ऑकर इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें अगर प्लांट्स के अंदर, तो ये हर जगह प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है, ये ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ध्यान रखना,
ज्योग्राफी नहीं है भाई, अल्कोलाइड। अल्कोलाइड की ज्योग्राफी क्या है भैया? जहाँ प्लांट होंगे वहाँ अल्कोलाइड होंगे, तो कंफ्यूज मत कर जाना। अल्कोलाइड ज्योग्राफिकल नहीं कर देना कि इंडिया में पाया जा रहा है, चाइना में पाया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि प्लांट में कहाँ कहाँ मिलने की संभावना है इसकी। बट आर यूजली लोकलाइज इन वन ऑर्गन, कहीं पे भी हो सकता है लेकिन किसी एक प्लांट में किसी एक ही जगह पे पाया जाएगा। या जैसे कि या तो छाल में होगा बार्क, या सीड में होगा। तो कुछ एग्जाम्पल दिए मैंने, समझते हैं। प्लांट पार्ट और एग्जाम्पल, प्लांट के पूरे हिस्से में अल्कोलाइड पाया जाता है। ऐसा कौन सा प्लांट है? धतूरा। धतूरा पूरा का पूरा धतूरा, कुछ भी ले लो उसका, है ना, सीड, स्टेम, लीफ सब में पाया जाएगा। सिंकोना बार्क, जो सिंकोना ट्री होता है उसके बार्क में, छाल में अल्कोलाइड होता है। नक्स वोमिका के सीड में पाया जाता है, एकोनाइट के रूट में पाया जाता है, ब्लैक पेपर के फ्रूट में पाया जाएगा, तंबाकू के लीफ में मिलेगा, ओपियम के लेटेक्स में मिलेगा। किस प्लांट्स के किस हिस्से में मिलेगा, ये हो कहीं पे भी सकता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन का प्लांट्स में कहाँ कहाँ पाया जाएगा ये। आइसोलेशन ऑफ अल्कोलाइड, ओके क्या हो गया, हाँ आइसोलेशन ऑफ अल्कोलाइड। तो आइसोलेशन ऑफ अल्कोलाइड की अगर मैं बात करूँ तो आइसोलेशन का मतलब क्या है, हमने फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन में एक्सट्रैक्शन और जो वो सब किया था वही सारी बातें यहाँ पे आ जाएंगी घूम फिर के, ठीक है ना। तो देखो जनरल आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ अल्कोलाइड्स में कुछ स्पेशल आइसोलेशन के तरीके भी हैं, जैसे कि स्ट्रेस ऑटो मेथड होता है वो एक्सट्रैक्शन का तरीका है, या मंस के मेथड है करके है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने एक जनरल मेथड दिया है जो पॉपुलर है काफ़ी। क्या कह रहा है, तीन तरीकों में होगा ये, तीन स्टेप में करेंगे इसको हम लोग। टेक सैंपल एंड क्रश इट अप इनटू अ वेरी फाइन पाउडर। एक्सट्रैक्शन वाली प्रोसेस अगर फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन पढ़ चुके हो तो जो एक्सट्रैक्शन किया था हमने स्टार्टिंग में वो हो रहा है। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, अलग कर लेना, बिल्कुल निकाल के बाहर कर लेना। तो हम सैंपल लेंगे, पीस लेंगे, चूरा बना लेंगे उसका। चूरा बनाने का कारण क्या था, रीजन इज दिस नेसेसरी, द रीजन दिस इज नेसेसरी इज द फाइनर द पार्टिकल द ग्रेटर द सर्फेस एरिया। हम पढ़ चुके हैं जितना महीन हो जाएगा सर्फेस एरिया उतना ज्यादा हो जाएगा, सॉल्वेंट उतना अच्छा उसके अंदर घुसेगा और उसके अंदर से क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट को बाहर निकालेगा। एंड बेटर द एक्सट्रैक्शन गोज, उतना अच्छा एक्सट्रैक्शन होगा। स्टेप टू, रिमूव ऑल द फैट्स। अब हमने पीस तो लिया है, अब उसके अंदर पीस लिया, उसके अंदर और क्या क्या एक्स्ट्रा मौजूद है, फैट, टर्पीन और कुछ अदर ऑयल्स, जितना एक्स्ट्रा चीज मौजूद है अल्कोलाइड के अलावा, उसको हमें निकाल के बाहर करना है। क्यों, हमें तो चाहिए नहीं, बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन देम। हमको क्या चाहिए, अल्कोलाइड चाहिए। अच्छा फैट चाहिए होता था बाकी चीजों को अलग करते थे, फिलहाल हमको क्या चाहिए, अल्कोलाइड। तो बाकी जितनी भी चीजें हैं उनको हमें हटा देनी है। कैसे हटाएंगे, दिस कैन बी इजली डन बाय एक्सट्रैक्टिंग देम फ्रॉम द पाउडर विद हेक्सेन्स और पेट्रोलियम ईथर। हम लोग हेक्सेन का इस्तेमाल कर लेते हैं या पेट्रोलियम ईथर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो सॉल्वेंट होते हैं लाइक हेक्सेन एंड पेट्रोलियम ईथर वर्क बेस्ट, या सबसे अच्छा काम करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी गुड एट सॉल्वेटिंग नॉन पोलर। फैट वगैरह क्या होते हैं, फैट वगैरह सब नॉन पोलर चीजें हैं, तो नॉन पोलर को एक्सट्रैक्ट हटाने के लिए हमें नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए होगा। तो होगा क्या, जो ये सॉल्वेट करते हैं, जितना भी नॉन पोलर मेरे पास वो था फैट टर्पिन्स वगैरह, ये इसके अंदर जाके क्या हो जाएगा, जैसे हम ये कह सकते हैं कि ये अपने अंदर इनको डिजोल्व करवा लेगा। समझने के लिए डिजोल्व करना लेकिन एक अलग चीज होती है, ठीक है ना। यहाँ वर्ड लिखा सॉल्वेटिंग, सॉल्वेटिंग का मतलब लिटरली बताऊं तो क्या होगा कि ये जो हेक्सेन और पेट्रोलियम ईथर होगा ये जाकर के फैट टर्पिन को जाकर पकड़ लेंगे, बहुत कायदे से चारों तरफ से घेर के पकड़ेंगे, ऐसे समझ लो इसको, ठीक है। जैसे कि मान लो फैट है तो ये पेट्रोलियम ईथर चारों तरफ से, मान लो पी 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 पी, ये चारों तरफ से इसको आगे क्या कर लेगा, घेर लेगा। जब इस सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल इस फैट को चारों तरफ से घेरता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेटिंग। डिजोल्व करना अलग चीज होती है, वो समझाने के लिए बोल दिया था, ठीक है। कंपाउंड लाइक फैट, ऑयल्स एंड टर्पीन्स, ठीक है, दीज कैन देन बी डिस्कार्डेड सिंस वी डोंट नीड देम। उस बाद हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे सॉल्वेंट को, तो ये सारा सारा का सॉल्वेंट के साथ क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, वी नीड टू एक्सट्रैक्ट अल्कोलाइड दैट आर लेफ्ट विद सॉल्वेंट, ठीक है। अब जो बचा रह गया सॉल्वेंट उससे हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट को निकालना है, सॉरी जो एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर से अल्कोलाइड निकालना है। बाकी सारी चीजें हमने क्या कर दी, पेट्रोलियम और ईथर की हेल्प से बाहर निकाल दी। अब हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, मिथेनॉल का और इथेनॉल का, जो कि बेस्ट सॉल्वेंट है फॉर एक्सट्रैक्टिंग अल्कोलाइड। अब केवल अंदर क्या बचा रह गया है, मतलब वो हिस्सा बचा रह गया है, ठीक है, ये फैट वगैरह सब निकल चुका है उसके अंदर से, अब हमको क्या निकालना है, अल्कोहल निकालने हैं। तो जैसे ही हम लोग मिथेनॉल और इथेनॉल डालेंगे, तो मिथेनॉल और इथेनॉल सॉल्वेंट विल पुल ऑल द अल्कोहल आउट ऑफ द क्रूड मटेरियल। समझने की कोशिश करना, सपोज थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ मैं, ये एक पाउडर का टुकड़ा है, इसके अंदर फैट भी था, टर्पीन्स भी थे, है ना, क्या क्या मौजूद, टर्पीन्स भी है, अदर ऑयल भी है,
और मेरे अल्कलॉइड भी हैं। तो पहले जो हमने पेट्रोलियम ईथर डाला उसने क्या किया, इसको 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 बाहर निकाल दिया, बचा क्या रह गया अल्कोलाइड जो कि इसके अंदर ही है अभी। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या डालेंगे, मिथेनॉल के अंदर डालेंगे इसको, वो सब हटा देंगे, तो ये इसको बाहर निकाल लेगा, ठीक है। और जो सॉल्वेंट होगा फाइनली, अब सारा का सारा अल्कोलाइड कहाँ आ गया है, इस सॉल्वेंट में आ गया है। कौन सा सॉल्वेंट है, मिथेनॉल, इथेनॉल में। बात समझ में आ रही है, दिस एक्सट्रैक्शन नीड टू बी डन मल्टीपल टाइम्स। अच्छा, हम इसे बार बार करेंगे, एक बार डालेंगे सॉल्वेंट, हटा दिया, फिर डालेंगे, हटा दिया, ताकि सारा का सारा अल्कोलाइड बाहर आ जाए। ऐसा हो सकता है ना कि जितना अल्कोलाइड बाहर आएगा और वो सॉल्वेंट कम पड़ रहा है उसे हटा, जब फ्रेश सॉल्वेंट आएगा तो अल्कोलाइड और ज्यादा बाहर आएगा ना, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। दिस एक्सट्रैक्शन नीड टू बी डन मल्टीपल टाइम्स, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रोटेटरी एवेपोरेटर कैन देन बी यूज्ड टू एवेपोरेट ऑफ द सॉल्वेंट। इसको हम रोटेटरी एवेपोरेटर में डाल देते हैं, सारा सॉल्वेंट उड़ जाएगा, है ना, मिथेनॉल इथेनॉल वैसे भी कैसे होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, उड़ जाएंगे, नीचे जो कंटेंट बचा रह जाएगा वो क्या बचा रह जाएगा, अल्कोलाइड, वो क्या बचा रह जाएगा, अल्कोलाइड। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। एट दिस पॉइंट अब हमें क्या करना है, वी हैव आवर क्रूड अल्कोलाइड मिक्सचर। अब हमारे पास क्या है, मिक्सचर एक मौजूद है अल्कोलाइड का जो नीचे बचा खुचा है। नेचुरल सोर्स रेयरली कंटेन ओनली वन अल्कोलाइड, जो नेचुरल सोर्स होते हैं उसके अंदर जनरली एक अल्कोलाइड नहीं पाया जाता है, मिक्सचर होते हैं, है ना, कई सारे मिक्सचर का वो रहता है। अब उसमें से हम एक एक करके आइसोलेट करना चाहेंगे, प्योर करना चाहेंगे तो प्योर कर लेंगे। तो अगला स्टेप क्या आता है, प्यूरिफिकेशन। तीन चार तरीके हैं, डायरेक्ट क्रिस्टलाइजेशन है ना, हम लोग क्या करेंगे उसको क्रिस्टल के रूप में, जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इसको ऐसे समझते हैं हम लोग, जैसे कि चाशनी होती ना, चाशनी जब सुखा देते हैं हम लोग तो नीचे क्या बचता है, कड़क कड़क चीनी जैसे, वो क्रिस्टल बन गए। अब तो सारा सॉल्वेंट उड़ा देंगे, क्रिस्टल हो जाएगा। स्टीम डिस्टिलेशन है, उड़ा देंगे सारा सारा स्टीम, भाप बना करके नीचे से बचा रह जाएगा, अल्कोलाइड आ जाएगा। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है, ग्रेडियंट पीएच टेक्निक है। अब इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको ब्रीफ आउटलाइन करनी है कि कैसे कैसे क्या क्या किया जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आइसोलेशन हो गया। नाउ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, जो कि हम फाइटोकेमिकल में कर चुके हैं। अगर वो चैप्टर वो पढ़ा है, लेक्चर देख लिया है, ये तो हलवा हो गया, पढ़ा है, अरे बोल दो पढ़ा है, ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट, मेयर्स टेस्ट, हैगर्स टेस्ट, वैगनर टेस्ट, हो गया आइडेंटिफिकेशन टेस्ट खत्म। अब ये यहाँ पे भी काम आएंगे, वहां पे भी काम आएंगे, दोनों जगह लग जाएंगे ये, ठीक है ना, सब वही सेम तरीका। अच्छा, इसको और छोटा कर लो, जैसे मैंने वहां तरीका बताया था। ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या है, हम लोग क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट पोटेशियम बिस्मथ को लेंगे एक्सट्रैक्ट के साथ, और क्या आ जाएगा, ऑरेंज रेड पीपीटी आ जाएगा। मेयर्स रिएजेंट प्लस एक्सट्रैक्ट क्या दे देगा मेरे को, ये व्हाइट ब्राउन पीपीटी दे देगा। सिंपल पहले याद करना है, ठीक है ना, कैसे, जैसे कि ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट ले लेंगे हम लोग, साथ में क्या ऐड करेंगे इसमें, एक्सट्रैक्ट, तो हमको क्या मिल जाएगा, ऑरेंज ब्राउन प्रेसिपिटेट, ऑरेंज ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। बात समझ में आई, कंफर्म हो गया क्या है, यहाँ पे अल्कोलाइड मौजूद है। ये शॉर्ट तरीका हो गया याद रखने का। अब ड्रैगन ड्रॉप का क्या रख लो, है क्या चीज, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड है, ये भी याद हो जाएगा, वहां याद कर लिया तो यहां तो हो ही गया फिर, है ना, सब में यही करना है, मेयर्स टेस्ट, हैगर्स टेस्ट, वैगनर्स टेस्ट, सब में यही करना है, क्लियर है। थेरेप्यूटिक एक्टिविटी एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन वही है। फार्मास्यूटिकल में क्या होता है भाई, दवाइयां वगैरह बनाते हैं, मेडिसिन वगैरह बनाते हैं ना, पता है ना। और थेरेप्यूटिक एक्टिविटी तो ले देके ये कहीं ना कहीं एक मर्जिंग सा कॉन्सेप्ट है दोनों के दोनों, ठीक है, कि फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन या थेरेप्यूटिक एक्टिविटी क्या रहेगी। तो देखते हैं इसमें क्या है, हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब चाहो तो अल्कलॉइड के नाम के साथ याद कर लो, अदरवाइज जो ये वाला पार्ट है, ठीक है ना, इसको छोड़ देना, ये वाला पार्ट क्या करोगे, छोड़ दोगे, ये याद रख लोगे। एंटी एरिथमिक, एंटी कोलिनर्जिक, मैंने कहा ना 15-20 बीमारियां याद कर लो, देखो यहाँ भी काम आ जाएगा। एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक एंटी टसिफ, ठीक है, रेमेडी फॉर गाउट, ठीक है, देन एंटी मलेरियल, देन रिलैक्स मसल, एंटी ट्यूमर, जो जो अच्छे अच्छे से याद तुम्हें लग रहे हैं कर सकते हो, उनको तुम याद कर लोगे और बस खेल खत्म। बात समझ में आ रही है, तो इस तरीके से सिंपल हो गया ये, इस तरीके से क्या हो गया, ये सिंपल हो गया, ओके, अब कुछ बचा नहीं है यहाँ पर। तो ये था हमारे पास अल्कलॉइड्स और उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमारे कोर्स में मौजूद थी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, टेस्ट जो आएंगे इसमें कुछ तुम्हारे फाइटोकेमिकल वाले टेस्ट भी आ जाएंगे, वही वाले प्रोसेस आ जाएंगे, बाकी बेसिक बेसिक बातें हैं
जो जल्दी, अब क्योंकि अब लास्ट टाइम पे हो, मेरे ख्याल से फटाफट इसको क्या करना है, चीज़ों को आपस में जो पढ़ लिया है उन सब चीज़ों से मर्ज करेंगे और इसको लर्न करने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, रिवाइज करना है, थोड़ा 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 पढ़ते जाओ। मतलब एक बेसिक थीम दिमाग में सेट कर ली कि अच्छा ये सब था इसके अंदर, फिर उसको अगले दिन देख लिया। खैर अभी टाइम ज़्यादा नहीं है, तो जिस हिसाब से भी याद कर सकते हो याद करो इसको, ठीक है ना। रिवीजन करते रहो, जो पढ़ लिया है, जो अदर सब्जेक्ट के पढ़ते जा रहे हो उनको भी साथ साथ में क्या करते रहो, रिवीजन करते रहो। क्लियर है? ऑल द बेस्ट।